हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेजर्स। तो आज जिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है DUJET, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। सो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है मेनली तीन प्रोग्राम के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं। पहला BMS बैच ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दूसरा BBA इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, तीसरा आपका है BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसे BBE भी कहते हैं। सो अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप दिल्ली की यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप DUJET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम हर साल नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है और इसे NTA कंडक्ट कराती है ऑन द बिहाफ ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो टोटल 16 कॉलेजेस है जो DUJET के एंट्रेंस एग्जाम की जो स्कोर है उसे एक्सेप्ट करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कॉलेजेस भी बताऊंगी कि कौन कौन से कॉलेजेस है जहां से आप BBA, BMS और BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जितने भी बेसिक डिटेल्स है, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन आप ऑन कर सकते हैं ताकि ऐसे करियर रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इसके अलावा एक और चीज़ गाइस, अगर आप BBA, BMS या फिर BBE के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। BBA के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है, टॉप कॉलेजेस, एंट्रेंस एग्जाम्स, कोर्सेस, करियर प्रोस्पेक्ट क्या है, ठीक है। तो सेपरेट वीडियोज़ है, तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं। सो अगर आप DUJET एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आपने अगर क्लास 12th पास आउट किया है और क्लास 12th में आपके मिनिमम 60% होने चाहिए और ये जो 60% है बेस्ट ऑफ फोर सब्जेक्ट्स के एग्रीगेट है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ फोर सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ये दो सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड है। सो कम से कम आपके 60% होने चाहिए और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर आते हैं तो आपके मिनिमम 55% है तो भी आप एलिजिबल हो। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं, आपकी कोई भी एज है, आप इस DUJET एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। अगर आप DUJET एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। और ये 2-स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है बेसिक डिटेल के साथ, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका बेसिक डिटेल होता है, पर्सनल डिटेल्स होते हैं, वो सारे फिल करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को लेके लॉगिन करना होता है और लॉगिन के बाद आपको जो मेन फॉर्म होता है वो फिल कर सकते हैं एंड देन पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको एप्लीकेशन फ़ी बता देती हूँ। तो अगर आप जनरल एंड OBC से बिलोंग करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी 750 रुपीज़, और अगर आप ST, SC, PWD से बिलोंग करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी 300 रुपीज़। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। सो बेसिकली आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में ही होगा, CBT मोड में, और ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें कम्प्लीटली। सो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 400 मार्क्स का ये पेपर होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 4 सेक्शन से, हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का हर एक सेक्शन है। पहला है आपका क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, दूसरा रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तीसरा है जनरल इंग्लिश एंड फोर्थ है बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये चारों सेक्शन को मिला के टोटल 100 क्वेश्चन है 400 मार्क्स का। यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 मार्क आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अलावा इस एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही दे सकते हैं और कोई अदर लैंग्वेज आपके पास ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ आपको इंग्लिश में देना है। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। सो आपका जो एडमिशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ DUJET के एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर नहीं होता है, आपके क्लास 12th में जो मार्क्स है, जो परसेंटेज है, उसके बेसिस पर होता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका जो वेटेज है वो 65% है और क्लास 12th के जो मार्क्स है उसका जो वेटेज है 35% है। सो बेसिकली करना क्या होता है, सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है ऑनलाइन मोड में। जैसे अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको DUJET का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसके लिए अपियर होना होता है। एग्जामिनेशन देने के बाद आपका आंसर की आता है, आंसर की के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, बेसिकली रिजल्ट आता है आपका। तो बेसिकली आपको क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे एंड DUJET के एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट होने के बाद
बेसिकली आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है, और काउंसलिंग में क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं देन आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर देना होता है कॉलेज का, यानी कि आप किन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना होता है. सो आपका जो सीट है आपको वो आपके रैंक एंड आपके प्रेफरेंस ऑर्डर के बेसिस पे ही आपको अलॉट किया जाता है. सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर आप अप्रूव्ड हो जाते हैं देन आपको एक लिंक रिसीव होता है यूजी एडमिशन पोर्टल पे, और अगर वो लिंक रिसीव हो रहा है देन आप अप्रूव्ड हो जाते हो और आपको वो सीट अलॉट कर दिया जाता है. देन आपको क्या करना है, फीस सबमिट कर देनी होती है ताकि आप अपनी तरफ से अप्रूवल दे दो. ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है. चलिए नेक्स्ट हम कॉलेजेस की बात करते हैं. तो टोटल 16 कॉलेजेस है जो DUJET के अंडर आता है, यानी कि DUJET के एग्ज़ाम के स्कोर को एक्सेप्ट करता है. तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम BBA इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए कौन कौन से कॉलेजेस है. तो यहाँ पे BBA के लिए दो ही कॉलेजेस हैं. पहला है शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वेमेन, दूसरा है शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज़. तो लास्ट ईयर BBA के लिए शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज़ में जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 18 लाख गया था. चलिए नेक्स्ट हम BMS की बात करते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस है BMS कोर्स के लिए. सो BMS आप आर्यभट्ट कॉलेज से कर सकते हैं. इसके अलावा आप कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, केशव महाविद्यालय, रामलाल आनंद कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वेमेन, इसके अलावा आप शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज़, इसके बाद है श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स. अब बात करते हैं BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं. भीमराव अम्बेडकर गार्गी कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज. सो इन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं. अब सिलेबस की बात करें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल में BBA, BMS एंड BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं तो कंप्लीट सिलेबस आप वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, सो कोई डाउट है आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. एंड येस, अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ ही साथ उस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.